इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, नदी में तैरते शवों का मामला लगातार जिस तरीके से तूल पकड़ रहा था, अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उस पर जवाब मांगा है। बता दें कि जिस तरीके से बिहार और उत्तर प्रदेश की नदियों में तैरते शव मिले थे, उसको लेकर के अब मानवाधिकार ने जवाब मांगा है। गंगा में शवों को जिस तरीके से तैरने का मामला गरमाया हुआ था, एनएचआरसी ने केंद्र से जवाब मांगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 4 हफ्तों में कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। नदी में तैरते शवों को देखा, मांगा जवाब, ये जवाब मांगा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन में, नदी में तैरते शवों का मामला है जिस पर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जवाब मांगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, गंगा में शवों के मिलने का ये सिलसिला लगातार जारी है जिस तरीके से, तो उसको लेकर के एनएचआरसी ने केंद्र, यूपी और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश की नदियों में ये बहते हुए शव मिले थे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। नदी में तैरते शवों को देखकर ये जवाब मांगा गया है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।